स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो सेकंड बुक है, ठीक है। इस बुक से हम जितने भी चैप्टर आपके इस बुक से आ रहे हैं उन सभी चैप्टर के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, सबसे ज़्यादा जो मतलब आपने पूरा पढ़ लिया होगा। मेरे को पता है कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप एक बार इन सभी क्वेश्चन को तो भाई कम से कम देख के जाना ही, ठीक है। तो चलिए चलते अपनी पीडीएफ में अपने क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों अब हम आ चुके हैं अपनी पीडीएफ में। देखिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूजर आईडी है रोशन सर स्टडी पॉइंट के नाम से, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें रोशन सर स्टडी पॉइंट के नाम से, वहाँ पे भी है चैनल, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें से इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो है अल बिरूनी की किताब उल हिंद की विशेषता। इस क्वेश्चन को तो भाई करके जरूर जाना, ठीक है। अब अल बिरूनी की किताब उल हिंद की विशेषता क्या है, सबसे पहले हम भाषा बताएंगे। भाषा जो थी वो अरबी भाषा में थी और भाषा सरल एवं स्पष्ट थी, ठीक है। अध्याय की बात करिए तो इसको कुल मिला के 80 अध्यायों में बांटा गया था, और इसमें धर्म के बारे में, त्यौहार के बारे में, खगोल विद्या है ना, रीति रिवाज जो है, सामाजिक प्रथा जो है, भारतोल है, ठीक है, मूर्तिकला है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसका इसमें विवरण किया गया था और 80 अध्यायों में पूरा बढ़ा हुआ था। इसके अगर हम शैली की बात करें, मतलब किस तरीके से इसको लिखता था अल बिरूनी, तो सबसे पहले क्या करता था, सबसे पहले एक प्रश्न पूछता था आरंभ में, ठीक है। फिर संस्कृति वादी परंपरा का वर्णन करता था, मतलब किसी एक संस्कृति का वर्णन करता था, और उसके बाद अंत में तुलना की जाती थी दूसरी संस्कृति के साथ जिसका वर्णन उसने किया है। तो ये है अल बिरूनी की किताब उल हिंद की विशेषता, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपका कि इब्न बतूता के अनुसार 14वीं सदी में यात्रा करना कठिन क्यों था। तो 14वीं सदी में क्या था, यात्रा करना बहुत कठिन होता था। सबसे पहले बहुत ज़्यादा समय लगता था और यात्रियों को पैदल यात्रा करना पड़ता था। दिल्ली से मुल्तान की जो, मुल्तान से दिल्ली की जो दूरी थी वो 40 दिन में तय होती थी, और सिंध से दिल्ली तक की जो दूरी थी वो 50 दिन में तय हो पाती थी। तो देखो कितना लंबा, मतलब लंबे समय तक पैदल यात्रा करना पड़ता था। डाकुओं का भाई हमला हो जाता था, ठीक है। अब इब्न बतूता बताता भी है कि उसके कारवां पे भी एक बार हमला हो गया था और वो मरते मरते भी बचा था, ठीक है। बीमारी का खतरा था, मतलब बीमारी जब कोई, मतलब कोई यात्री जब बीमार हो जाता था ना तो उनको उपचार ही नहीं मिल पाता था, और इस कारण यात्री की मृत्यु भी हो जाती थी। इसके अलावा उस समय यातायात के साधन की तो भाई बहुत ही कमी थी, तो ये भी एक कारण आप बता सकते हैं। पैदल लंबी यात्राएँ करनी होती थी, महीनों तक, लगातार हफ्तों तक चलना पड़ता था, तो ये कारण ये हो गया आपका, ठीक है। तो इन सभी कारणों से 14वीं सदी में यात्रा करना बहुत कठिन था। हाँ एक क्वेश्चन भाई अल बिरूनी से आता है कि अल बिरूनी को भारतीय इतिहास को समझने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है, और उन समस्याओं का समाधान उसने कैसे किया। तो देखिए जब अल बिरूनी, आपको पता है भाई 11वीं सदी में आया था, है ना, 11वीं सदी में उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा भारतीय इतिहास को समझने में। सबसे पहले समस्या उसके सामने थी भाषा। भाई भाषा समस्या कैसे थी, क्योंकि वो अरबी भाषा का ज्ञाता था, और भारत में कौन सी भाषा प्रचलित थी, संस्कृत। ज़्यादातर हमारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, तो उन ग्रंथों को समझना उसके लिए बहुत ही कठिन था। भारत में धार्मिक प्रथाओं में क्या थी, बहुत ज़्यादा विविधता थी, है ना, यहाँ पर अलग अलग धर्म जाति वर्ग के लोग रहते थे। इसके अलावा अभिमान भी था, लोग थोड़े अभिमानी थे, मतलब थोड़े घमंडी टाइप के थे, चीज़ें पूछने पे वो नहीं बताते थे, तो ये भी अल बिरूनी के लिए एक समस्या थी। अब इन समस्याओं पे विजय प्राप्त करने के लिए अल बिरूनी ने क्या किया, हमारे ग्रंथों का अध्ययन किया, जैसे कि वेद है, पुराण है, भगवत गीता है, पतंजलि की कृति है, मनुस्मृति के अंश है, उनका इस्तेमाल उसने भारतीय इतिहास को समझने के लिए किया और अपनी समस्याओं का समाधान किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण क्या था। अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया, और उसने बोला कि प्राचीन फारस में ना चार सामाजिक वर्ग थे, ठीक है, जिसमें से पहला घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा भिक्षु और अनुष्ठानिक पुरोहित की बात वो करता है, तीसरा खगोल शास्त्री और चिकित्सक जो है और वैज्ञानिक जो है उनकी बात करता है तीसरे वर्ग में, और चौथे वर्ग में जो थे वो थे कृषक तथा शिल्पकार। अब अल बिरूनी ने क्या किया था, जाति के अंदर जो अपवित्रता की जो मान्यता निहित थी उसको अस्वीकार कर दिया। भारत में क्या था कि भाई नीच जाति के लोगों के साथ, आपको पता है, मतलब जो निम्न जाति के लोग थे उनके साथ भेदभाव होता था, तो उसने बोला कि जाति के अंदर जो अपवित्रता की जो मान्यता है ना वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति अगर अपवित्र हो जाता है ना वो दोबारा से अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जैसे कि सूर्य हवा को स्वस्थ करता है, समुद्र में जो पानी है वो मतलब समुद्र में जो नमक है वो पानी को गंदा होने से बचाता है। तो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, जो अपवित्रता की मान्यता जो है ना वो प्रकृति के नियम के
विरुद्ध है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स वो बताता है। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का भारतीय शहरों को व्यापक अवसरों से भरा हुआ पाया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अथवा इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों की विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन भाई मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको आप जरूर करके जाए। देखिए, इब्न बतूता बताता है कि भाई भारत के जो शहर थे ना, उन लोगों के लिए इच्छा मतलब उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरे हुए थे जिनके पास इच्छा शक्ति साधन और कौशल मौजूद थे, है ना। ये एक शहर जो थे वो घनी आबादी वाले होते थे, लेकिन युद्ध के समय ये नष्ट भी हो जाते थे। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा लगता है कि अधिकांश शहर में भीड़ भाड़ वाले सड़क तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे, और ये बाजार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। ठीक है, इब्न बतूता ने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी बताया था। दौलताबाद महाराष्ट्र में ये भी कम नहीं था और हर मामले में दिल्ली को टक्कर देता था। ठीक है, बाजार मात्र क्रय विक्रय का ही स्थान नहीं था, बल्कि ये जो था वो सामाजिक और आर्थिक गतिविधि का केंद्र भी था। अधिकांश बाजार में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था, है ना। कुछ बाजारों में नर्तकों के लिए, संगीतकारों के लिए और गायकों के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भी स्थान होते थे। ठीक है, अब देखिए इब्न बतूता जो था ना, वो भारतीय शहरों के समृद्धि का कारण क्या था इसको बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन फिर भी वो बताता है कि भारत के जो शहर थे इतने विकसित थे, समृद्ध थे, उसके पीछे इसका जो आधार था वो ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था थी। मतलब गांव की जो कृषि थी वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, फसल बहुत अच्छी होती थी, है ना। तो इस कारण इसका फ़ायदा शहरों को भी मिलता था, और उस समय जो हमारा भारत था वो एशियाई व्यापार तंत्र से जुड़ा हुआ था। एशिया के जो भी व्यापार होता था उससे भारत जुड़ा हुआ था, और भारतीय माल की मध्य दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या थी, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। शिल्पकारों को भी इसका बहुत लाभ होता था, है ना। सूती कपड़े, महीन मलमल रेशम, ठीक है, इन सभी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और इसको बेच के काफ़ी ज़्यादा मुनाफा अपने देश को होता था। तो इन कारणों से भारत के जो शहर थे वो काफ़ी ज़्यादा विकसित थे। ठीक है, देखिए इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की विशेषता बताइए, है ना। या इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित हुआ, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इब्न बतूता जो था वो भारत की डाक प्रणाली को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, और वो बताता है कि भाई ये जो मतलब इब्न बतूता डाक प्रणाली को देखकर काफ़ी ज़्यादा चकित हुआ। इस डाक व्यवस्था की मदद से व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना, बल्कि अपनी अल्प सूचना पर माल भेजना भी मतलब सुलभ था। मतलब सामान वगैरह भी भेज सकते थे और सूचनाओं को तो भेज ही सकते थे। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि सिंध से दिल्ली की यात्रा जहां 50 दिन में तय होती थी, गुप्तचरों की जो खबरें थी वो इस डाक व्यवस्था से 5 दिन में पहुंच जाती थी। ठीक है, तो इतना मतलब कार्य कुशल, मतलब इतना ज़्यादा कुशल ये डाक व्यवस्था थी। अब डाक प्रणाली के बारे में दो प्रकार के डाक प्रणाली का वर्णन करता है, एक अश्व डाक प्रणाली, दूसरा पैदल डाक प्रणाली। पहली डाक व्यवस्था में जो व्यवस्था थी उसमें अश्व डाक व्यवस्था, जिसको उल्लूक भी बोला जाता था, हर 4 मील की दूरी पर एक सेंटर बना होता था इसमें। ठीक है, और दूसरी जो डाक व्यवस्था थी उसको हम बोलते हैं दावा, जिसको हम पैदल डाक व्यवस्था भी बोलते हैं। हर 3 मील की दूरी पर पैदल व्यक्ति द्वारा संचालित होता था, मतलब हर 3 मील की दूरी पे एक केंद्र बनाई जाती थी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये काम करता था। उसके बाद फ्रांसवा वर्नियर की हम बात कर लेते हैं। फ्रांसवा वर्नियर जो था, आपको पता है, भू स्वामित्व की बात करता है। तो वर्नियर भूमि पर राज्य के स्वामित्व को विनाशकारी क्यों मानता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अथवा हम इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि वर्नियर के अनुसार भूमि पर राजशाही स्वामित्व के राज्य और समाज के लिए हानिकारक परिणाम थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है कि फ्रांसवा वर्नियर बताता है कि भारत में ना निजी भू स्वामित्व का अभाव था। सारे भूमि पर राजा होता था मालिक, मतलब मुगल सम्राट जो होते थे वो जमीन के मालिक होते थे। नीचे लिखा भी है कि भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था, राजकीय भू स्वामित्व का चलन था। वर्नियर का निजी भू स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था, जो कि भारत में मौजूद नहीं था। मतलब भारत में निजी भू स्वामित्व मौजूद नहीं था। उनसे भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य और निवासियों के लिए हानिकारक माना था। ठीक है,
और मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का मालिक होता था, वह अपने सगे संबंधियों में इस या अमीर लोगों में इसको बांट देता था। ठीक है, इससे क्या था कि विनाशकारी परिणाम होता था। क्यों? क्योंकि राजकीय भूस्वामित्व होने के कारण भूधारक अपने बच्चों को जमीन नहीं दे सकते थे। ठीक है, और निजी भूस्वामित्व के अभाव ने क्या किया, बेहतर भूधारकों का जो वर्ग है वो उभर के नहीं आ पाया, जो जमीन के रख रखाव के लिए ज़्यादा सजग हो, ऐसे भूधारक उभर के नहीं सामने आ पाए, है ना। और इससे कृषि का लगातार विनाश हुआ, किसानों का उत्पीड़न हुआ, समाज के सभी वर्गों का जो जीवन स्तर है वो पतन के कगार पे आ गया। ये बातों बताता है वर्नियर जो है वो भारतीय समाज को दरिद्र लोगों का समूह बताता है, और जो अमीर शासक वर्ग के अधीन गरीब में और गरीबी में और अमीरी के बीच में क्या है, कोई मध्यम वर्ग है ही नहीं, है ना, कोई भी मध्यम वर्ग नहीं है। ठीक है, भारत में क्या है, मध्यम वर्ग की स्थिति का अभाव है, एक तो भाई बहुत अमीर है, दूसरे बहुत गरीब है, बीच में मध्यम वर्ग है ही नहीं। भारतीय साम्राज्य को किस नज़रिए से देखता है, तो भारतीय राजाओं को भिखारी और क्रूर लोगों का राजा बोलता है। भारतीय शहरों को जो शहर है और नगर है उसको गंदी हवा से दूषित बताता है, है ना, खेतों को झाड़ीदार और घातक दलदलों से भरे हुए बताता है, और बताता है कि इन सबका एक ही रीजन था, वो था राजकीय भूस्वामित्व। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख देंगे इसमें। अब एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से और आप करके जाएंगे, जो कि है दास प्रथा के बारे में। इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए, मतलब दास प्रथा के बारे में इब्न बतूता ने क्या क्या बताया था। तो देखिए, इब्न बतूता बताता है कि भारत में ना दासों को किसी अन्य वस्तुओं की तरह खुलेआम बाजार में खरीदा जाता था और बेचा जाता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुँचा ना, तो मुल्तान जो मतलब सिंध पहुँचा था, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट के रूप में घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे उसने। इसके अलावा जब वह मुल्तान पहुंचा, तो मुल्तान का जो गवर्नर था उसके लिए किशमिश के बादाम के साथ उसने दास और घोड़े भी उसके लिए लिए थे भेंट देने के लिए। इब्न बतूता यह भी बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक, क्या नाम बोल रहा हूँ, नसरुद्दीन नामक जो धर्म उपदेशक था, उसके प्रवचनों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसको 100,000 टके और 200 दास उसको दान में दे दिया। ठीक है, इब्न बतूता बताता है कि सुल्तान की सेवा में कार्यतर कुछ जो दासियां थी, उस संगीत और गायन में निपुण थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए भी दासियों की नियुक्ति करते थे। अमीर का मतलब यहाँ पे अधिकारियों से, ठीक है, जो अधिकारी लोग होते थे साम्राज्य के, उस पर नज़र रखने के लिए राजा क्या करता था, इन दासियों की नियुक्ति करता था। अब दासों को सामान्य घरेलू श्रम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, और बहुत सारे दास जो थे उनको उनका इस्तेमाल डोली और पालकी उठाने के लिए भी होता था। दासों की कीमत बहुत कम होती थी, विशेषकर उन दासियों से जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए होती थी, मतलब जो घरेलू कामकाज को जो दासियां करती थी उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे। ठीक है, और अधिकांश परिवार वाले जो कि मतलब दास रखने में सक्षम थे वो रखते ही थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप दासों के बारे में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन, कम से कम 5-6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस चैप्टर से बता दिए हैं, जो कि आपको ज़रूर से ज़रूर देख कर जाने हैं। अब हम चैप्टर नंबर 6 के भी देख लेते हैं, जो कि आपको इनमें से मतलब जो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से स्किप करके नहीं जाना है, हर हालत में इस क्वेश्चन को करके जाना ही जाना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप करके जाएंगे, आप तमिलनाडु के अलवार और नयनार संतों द्वारा चलाए गए भक्ति आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो तमिलनाडु में 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का उद्भव होता है अलवार और नयनारों के नेतृत्व में। अलवार जो थे वो विष्णु की आराधना करते थे, नयनार जो थे वो शिव की आराधना करते थे, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमणशील रहते थे, ये घूम घूम के भजन गाते थे, भजन गा के ईश्वर की आराधना करते थे, है ना। इन्होंने क्या किया, अपनी यात्रा के दौरान कुछ स्थल को पावन स्थल घोषित कर दिया, अपने देवताओं का निवास स्थल घोषित कर दिया, और बाद में वहीं पर विशालकाय मंदिर बने, और ये जगह क्या बन गए, तीर्थ स्थल बन गए। ठीक है, ये पॉइंट आप लिखिए। संत कवियों के भजनों को यहाँ क्या होता था, अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। ठीक है, संतों की जो प्रतिमा थी उनकी पूजा भी की जाती थी। अब देखिए, यह परंपरा ने स्त्रियों तथा निम्न वर्ग को भी स्वीकार किया था। जो अलवार नयनार संतों ने जो भक्ति आंदोलन चलाया, इसमें महिलाएं भी शामिल थी और जो निम्न वर्ग के जो लोग थे वो भी शामिल थे।
ठीक है, इसमें अलग अलग समुदाय से लोग आए, ब्राह्मण आए, शिल्पकार, किसान, अस्पृश्य, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था समाज में, उनका विरोध किया अलवार नेनार संतों ने। इनकी रचनाओं को वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया गया, जो संस्कृत के जो चार वेद है उसके जितना महत्वपूर्ण बताया गया। उदाहरण के लिए नलैरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, नलैरा दिव्य प्रबंधम को संस्कृत के चारों वेदों से इसकी तुलना की गई। और इसके अलावा इसमें स्त्रियां भी शामिल थी, आपको पता है, जैसे कि अंडाल, अंडाल का नाम बताए, जो कि स्त्री भक्ति विष्णु की आराधना करती थी, विष्णु की स्वयं को प्रेसी मानती थी, है ना, और अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त किया था इसने, ठीक है। करेकाल अम्बैयार दूसरी महिला थी जो कि शिव की भक्त थी और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोर तप इसने किया था, ठीक है। तो करेकाल अम्बैयार और अंडाल के बारे में भी आप लोग जरूर बताएं इस क्वेश्चन में। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको जो करके जाना है वीरसा परंपरा के बारे में। एक ये देखिए, यहाँ पे तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो भाई वीरसैव तथा लिंगायत कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आ सकता है कि वासवन्ना कौन था तथा उसके द्वारा चलाए गए भक्ति आंदोलन की का वर्णन कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आता है लिंगायत कौन थे, ठीक है, और जाति प्रथा के विशेष संदर्भ में संबंध में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। अब देखो तीनों ही क्वेश्चन आएगा ना, तो आप पूरा आंसर लिख के आ जाना भाई, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे, तो आप पूरा लिख के आ जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। तीनों ही क्वेश्चन में सेम आंसर आप बता सकते हैं कि 12वीं सदी में क्या होता है ना, कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय होता है जिसका नेतृत्व वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था, है ना। ये चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री था। अब नए बुकों में कालाचुरी दे रखा है, तो कालाचुरी राजा के दरबार में मंत्री था और शुरू में जैन मत को मानता था, मतलब जैन धर्म को मानने वाला था। अब वासवन्ना के जो अनुयायी थे उसी को हम वीरसैव और लिंगायत बोलते हैं। लिंगायत जो होते हैं लिंग धारण करने वाले होते हैं, है ना, और शिव की आराधना वो लिंग के रूप में करते हैं। और जो लिंगायतों के जो पुरुष होते हैं ना, वो अपने बाएं कंधे पे चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते हैं, ठीक है, छोटा सा एक लिंग शिवलिंग धारण करते हैं। अब इनकी शिक्षाएं या सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, तो देखियो मतलब देखिए इन्होंने क्या किया, मृत्यु के बाद इनका मानना यह था कि मृत्यु के बाद जो है ना भक्त जो है वो शिव में लीन हो जाता है और इस संसार में दोबारा लौट के नहीं आता। धर्मशास्त्र में जो भी श्रद्धा संस्कार के जो नियम बनाए गए उसका पालन ये नहीं करते थे और अपने मृतकों को विधिपूर्वक तरीके से दफनाते थे। जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों को दूषित होने की जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी, है ना, उसका भी इन्होंने विरोध किया। जो ब्राह्मण ही मानते थे ना कि भाई कुछ लोग बिल्कुल अपवित्र है, दूषित है, ये ऐसा कुछ नहीं मानते थे इन्होंने, बल्कि इसका विरोध किया था। पुनर्जन्म के सिद्धांत पे इन्होंने प्रश्न वाचन चिन्ह लगा दिए। वो तो मानते थे कि भाई मरने के बाद व्यक्ति शिव में लीन हो जाता है, दुनिया में दोबारा लौट के नहीं आता। विवाह और जो मतलब वयस्क विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह को भी इन्होंने मान्यता प्रदान किया था कि भाई विधवा औरत है वो भी विवाह कर सकती थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाए। अब देखिए एक सूफी मत के विकास वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति के रूप में सूफी मत का विकास कैसे हुआ। अब देखिए ये एनसीईआरटी लाइन को चेप दिया है और लास्ट में लिख दिया सूफी मत का विकास कैसे हुआ। तो सिंपल सी बात है, हमारे को सूफी मत के विकास के बारे में बताना है कि भारत में सूफी मत का विकास कैसे हुआ। जैसे कि इस्लाम के आरंभिक शताब्दी में क्या था, जो खिलाफत जो संस्था थी ना, मतलब खलीफाओं का जो पद था और उसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था, ठीक है, खास करके उलमा का वर्चस्व भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उस समय सूफी मत का विकास बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। और अगला सिंपल क्वेश्चन है कि भाई भारत में सूफी मत का विकास कैसे हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन ही आ सकता है सिंपल। तो देखिए सूफी मत का विकास कैसे कैसे हुआ भारत में, हम बताएंगे कि भाई कुछ लोग ऐसे थे जिनका रहस्यवाद और वैराग्य के प्रति झुकाव बढ़ा, उन्हीं को हमने क्या बोला, उनको हमने बोला सूफी संत बोला, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रूढ़िवादी जो परिभाषाएं थी, रूढ़िवादी जो मान्यताएं थी, उसका विरोध किया था, है ना। कुरान और सुन्नत की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की, जो कि मतलब जो उलमा द्वारा जो कुरान की व्याख्या की जाती थी विशेषकर, ठीक है, उलमा द्वारा जो कुरान की व्याख्या की गई उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के आदेश का पालन करने पर बल दिया कि भाई हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान ही कामिल बताया, उनके अनुसार पैगंबर मोहम्मद एक मतलब एक इंसान थे,
परफेक्ट इंसान जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, सूफी संतों ने कुरान की व्याख्या अपनी निजी अनुभवों के आधार पर की, उलमा द्वारा जो कुरान की व्याख्या की जाती थी उस पर निर्भर बिल्कुल नहीं थे। 11वीं सदी में क्या हुआ, सूफीवाद एक विकसित आंदोलन बन गया, क्योंकि सूफियों का क्या था, कुरान से जुड़ा हुआ अपना एक साहित्य भी था, तो उस वजह से और ये फेमस होने लग गए। सूफी संतों ने क्या किया, खानकाह स्थापित किया था, क्या स्थापित किया, खानकाह, ठीक है। और खानकाह की बात करें तो भाई खानकाह के इर्द गिर्द, मतलब खानकाह में ही रहते थे, और खानकाह पे नियंत्रण किसका था, शेख का, है ना, पीर का, या फिर मुर्शिद बोल दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 8 नंबर में है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि लॉन्ग है, ये 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 8 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो आप 8 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए इन सभी क्वेश्चन को जरूर करिए, ठीक है। अपने बारिशों की जो मतलब यहाँ पे जो शेख होते थे, पीर होते थे, वो क्या करते थे, अपने अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस यानी कि खलीफा की नियुक्ति करते थे, और अध्यात्म के जो नियम थे उनका निर्धारण भी यही करते थे, ठीक है। खानकाह में रहने के लिए के बीच के संबंध और शेख तथा जनसामान्य के बीच रिश्ते की सीमा तय करते थे, मतलब सारे नियम कायदे कानून यही बनाया करते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया किसके बारे में, आपका हो गया सूफी मत के विकास के बारे में। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बेसरिया और बासरिया, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। बेसरिया और बासरिया में अंतर क्या होता है, देखिए बेसरिया उन्हें बोलते हैं जो सरिया कानून को नहीं मानते हैं, है ना, खानकाह में नहीं रहते, खानकाह का तिरस्कार करते हैं बेसरिया, ठीक है। और इनको ना अनेक नामों से जाना जाता है, ज़्यादातर फिरंगी होते थे, वह फिरंगी कह रहा हूँ, फ़कीर, फिरंगी तो अंग्रेज़ों को लिए यूज होता था, ये वो फ़कीर होते थे, फ़कीरों जैसे ज़िंदगी जीते थे, है ना। इनको अनेक नामों से जाना जाता था, जैसे कि कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, है ना, घुमक का टाइप के थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। दूसरी तरफ अगर हम बासरिया की बात करें तो ये सरिया कानून को मानते थे और एक जगह पे ही रहते थे, है ना, खानकाह में ही निवास करते थे, और ये बासरिया हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाए भाई, ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह क्यों प्रसिद्ध थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की हम बात करें, अजमेर में स्थित है, ठीक है, और ये बहुत ही फेमस थी, बहुत ज़्यादा। इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो सबसे पहला जो जिक्र किया गया वो 14वीं शताब्दी में मिलता है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता, मतलब सादा जीवन, धर्मनिष्ठा यानी कि अल्लाह में विश्वास, आध्यात्मिक वारिसों की महानता, ठीक है, और राशि मेहमानों द्वारा जो इनको आश्रय दिया जाता था, जो इनको हेल्प की जाती थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, यहाँ आने वाला पहला सुल्तान था, ठीक है। शेख की मजार पर पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी 15वीं सदी में, ठीक है। यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले सीधे मार्ग पर स्थित था, इसीलिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते थे। अकबर 2014 बार आया था, है ना, कभी जीत नई जीत मिलती थी तब, कभी उसके संकल्प की पूर्ति हो गई, पुत्र का जन्म हुआ तब आता था, है ना। प्रत्येक बार अकबर कुछ ना कुछ यहाँ पे दरगाह को भेंट जरूर देता था। 1568 में तीर्थयात्रियों की खाना पकाने के लिए विशाल देंग उसने क्या किया था, भेंट में दिया था, एक भगौना कह सकते हैं उसमें, मतलब तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाया जाता था। और दरगाह के अहाते पर एक मस्जिद भी बनवाई थी अकबर ने, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब हम कबीरदास की बात कर लेते हैं। कबीरदास गुरु नानक देव के बारे में तो भाई जरूर करके जाना, इस चैप्टर से कबीरदास और गुरु नानक बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कबीरदास की बात करें तो कबीरदास की जो बाणी है ना, कबीरदास के जो वचन है, जो शिक्षाएं है, उसको 3 परिपाटियों में सुरक्षित रखा गया। सबसे पहले कबीर बीजक, कबीर बीजक की बात करें तो इसका संबंध वाराणसी से है, ठीक है। वाराणसी में इस कबीर बीजक की रचना की गई और इसमें उनकी शिक्षाओं को शामिल किया गया। उसके बाद कबीर ग्रंथावली है, कबीर ग्रंथावली जो है उसका संबंध राजस्थान से है, राजस्थान के जो दादूपंथी थे ना, उन्होंने इसको सुरक्षित रखा था। और आदि ग्रंथ साहिब में भी इनकी कुछ बहुत सारी मतलब चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। तो आदि ग्रंथ साहिब में भी इसमें मतलब उनकी शिक्षाओं का वर्णन, उनके जो शब्द हैं, उनकी जो वाणी है, उसका वर्णन किया गया है। अब देखिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट रहेगा कि कबीरदास की शिक्षाएं क्या है, शिक्षाएं बताइए। तो देखिए कबीरदास क्या करते थे, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया उन्होंने, मतलब कि ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है, ईश्वर क्या है, निराकार है, ठीक है। मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया था, खंडन किया था, मूर्ति पूजा को ये नहीं मानते थे। नाम सिमरन पर बल दिया था, ठीक है, नाम सिमरन या सुमरन बोल सकते हैं आप, जिसमें हरि के नाम के जाप की बातें करते थे। जातिगत भेदभाव का कबीरदास जी ने क्या किया था,
विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने वो भी मतलब देखे तो जैसे हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था जाति के आधार पर, है ना। तो इस कारण उन्होंने क्या किया, जातिगत जो भेदभाव हिंदू धर्म में जो प्रचलित थी, जो ब्राह्मणीय वर्चस्व था समाज में, उसका भी उन्होंने विरोध किया था। धर्म के जितने भी बाहरी आडंबर थे उसका खंडन किया। धर्म के बाहरी आडंबर क्या होते हैं, जैसे कि यज्ञ है, पशु बलि है, मूर्ति पूजा है, इन सब चीज़ों का उन्होंने खंडन किया, है ना। आपसी भाईचारे को उन्होंने बढ़ावा दिया कि भाई लोगों को इंसानियत के नाते आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। ये पॉइंट आप कबीरदास की शिक्षा में बता दें, काफ़ी है। अब हम बाबा गुरु नानक देव की बात करते हैं। देखिए बाबा गुरु नानक देव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन थे और उनकी शिक्षाओं की भी बात करेंगे, और क्या वो किसी नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे, वो भी हम बात करेंगे। देखिए बाबा गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में, ठीक है, ननकाना। ननकाना एक गाँव है रावी नदी के पास, अब ये पंजाब मतलब ये अब पाकिस्तान में है, ठीक है। तो उन्होंने फारसी पढ़ी थी, लेखन के जो कार्य है उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया, ट्रेनिंग लिया उन्होंने, और इनकी जो शादी है वो काफ़ी कम आयु में ही करा दी गई थी। लेकिन ये बहुत समय सूफी संतों के साथ, भक्ति संतों के साथ बिताते थे और लंबी लंबी यात्राएं भी उन्होंने की थी, ठीक है। अब इन्होंने जो शिक्षाएं दी है उसकी बात कर लेते हैं, तो इन्होंने भी निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था, यानी कि भगवान का कोई रंग रूप आकार नहीं होता है। धर्म के सभी बाहरी अडांबरों का खंडन किया, जैसे कि यज्ञ अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, है ना, कठोर तप, धार्मिक ग्रंथों को नकार दिया, जो कि हिंदू और मुसलमानों का जो धार्मिक ग्रंथ था उसको नकार दिया, ठीक है। रब के नाम का जाप, है ना, रब के नाम की जाप की बात इन्होंने कही, यानी कि नाम सिमरन पर बल दिया इन्होंने भी। ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं होता, यानी कि वो निराकार है, और आपसी भाईचारे को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये आप गुरु नानक देव की शिक्षाओं में बता देंगे। अब क्या जातिगत भेदभाव वाला भी पॉइंट आप बता सकते हो कि भाई जातिगत भेदभाव का विरोध किया, सेम कबीरदास और इनकी जो शिक्षाएं है मिलती जुलती ही है, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करेंगे कबीरदास जी क्या कबीरदास कह रहा हूँ, गुरु नानक देव जी क्या किसी नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे, तो नहीं, गुरु नानक देव जी किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। उनके मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने क्या किया, अपने आप को हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग कर लिया था, ठीक है। पांचवे गुरु थे अर्जन देव। अर्जन देव ने क्या किया, अपने से पहले के चार गुरु बाबा फरीद, रविदास, है ना, रविदास हो गए, इस कबीर हो गए, इन सभी की शिक्षाओं को और गुरु नानक देव की शिक्षाओं को किस में शामिल किया, आदि ग्रंथ साहिब में शामिल किया। अब इसको गुरवाणी कहा जाता था, है ना, गुरवाणी अनेक भाषाओं में रची गई थी। अब 17वीं शताब्दी में क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, नवे गुरु तेग बहादुर, है ना, और उससे पहले के जितने भी गुरु थे, इन सभी गुरु की शिक्षाओं को गुरु ग्रंथ साहिब मतलब गुरवाणी या फिर आदि ग्रंथ साहिब में शामिल किया, और इसको अब गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लग गया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की भी नींव रखी थी, यानी कि पवित्रों की सेना, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने पांच प्रतीक भी दिए थे, जैसे कि बिना कटे केस, कृपाण, कच्छ, कंघा, लोहे का कड़ा, ये सारी चीज़ें, ये प्रतीक जो दी गई है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही दी गई, और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही इनको सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे चैप्टर नंबर 6 से। अब हम चैप्टर नंबर 7 में आ गए हैं। चैप्टर नंबर 7 से हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हम्पी के इतिहास की रचना कैसे की गई, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम्पी की अगर हम बात करें तो हम्पी की जो खोज है वो 1800 में की गई थी, ठीक है। 1800 में हम्पी की खोज की गई किसके द्वारा, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थी, एक अभियंता, है ना, एक पुरातत्वविद कह सकते हैं इनको। तो कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था, मानचित्रकार भी थे, और इनकी जो शुरुआती जानकारी थी वो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी मंदिर के जो पुरोहित थे उनके स्मृतियों पर आधारित थी। अब देखिए 1836 से क्या होता है कि बहुत सारे अभिलेख को इकट्ठा किया जाता है, अभिलेख शास्त्रियों द्वारा विजयनगर के बहुत सारे अभिलेखों को एकत्रित किया जाता है, और इन अभिलेखों का जो इन अभिलेखों की तुलना है यात्रियों के वृत्तांत से, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखे गए जो साहित्य थे उनसे करके विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी जुटाया जाता है। 1856 से क्या होता है कि जो छाया चित्रकार है उन्होंने विजयनगर के भवन के बहुत सारे चित्र बनाए होते हैं, उससे भी हमें विजयनगर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में बता सकते हैं, खोज का जो इतिहास है वो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के व्यापार के बारे में। अब
व्यापार क्या था भाई, 14वीं सदी के व्यापार की बात कर रहे हैं, तो व्यापार में सबसे ज़्यादा घोड़ों की जरूरत होती थी, और घोड़े कहाँ से मंगाते थे, ये मध्य एशिया से, अरब से और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात किया जाता था, है ना, क्योंकि युद्ध होते थे और युद्ध युद्ध में ना घोड़ों की ज़्यादा डिमांड होती थी। अब व्यापार जो है मतलब अरबियों का नियंत्रण था, है ना, जिसके मतलब इन व्यापारियों को, जो भी घोड़े के जो व्यापारी थे उनको ना कुदरई और कुदरई चेटी कहा जाता था, या सिंपल घोड़े के व्यापारी भी इनको हम कह सकते थे। ठीक है, 1498 में पुर्तगालियों का उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे आगमन होता है, वो अपने साथ लेकर आते हैं बंदूक, है ना, बंदूक वगैरह का व्यापार इनसे हम करते हैं। प्लस में विजयनगर के जो विजयनगर अपने मसालों के लिए, अपने वस्त्र के लिए, अपने रत्न आभूषण के लिए बहुत ही फेमस था पूरी दुनिया में। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग भी करती थी, ठीक है, विशेषकर रत्न आभूषण जो कि दूसरे देशों से मंगाया जाता था, और व्यापार से जो भी कर मिल रहा था ना, जो टैक्स, उसी के वजह से विजयनगर साम्राज्य इतना ज़्यादा समृद्ध हो रहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता दें। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेव राय का कितना योगदान था। अब देखो कृष्णदेव राय का तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, आप लोगों ने था होगा मिड टर्म या फर्स्ट टर्म में भी पूछा गया होगा, हो सकता है बोर्ड में भी आपके आ जाए। अब देखिए कृष्णदेव राय ने शासन किया था 1509 से लेके 1529 तक, ठीक है, तुलु वंश से इनका संबंध था। अब क्या क्या काम किया भाई, देखिए सबसे पहले इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया और इसको मजबूत बनाया। 1512 में इन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र हासिल किया था। 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया, ठीक है, और 1520 में बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको बुरी तरीके से पराजित कर दिया, राज्य में शांति लाया, समृद्ध किया इस साम्राज्य को, है ना। इन्होंने अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया, उन मंदिरों में गोपुरमों को भी जुड़वाया था, ठीक है। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर एक उपनगर की स्थापना भी करवाई थी जिसका नाम था नगलपुरम, ठीक है, नगलपुरम। अब हम बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के जल संपदा और किलेबंदी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा और किलेबंदी। देखिए विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में चौंकाने वाला तथ्य था तुंगभद्रा नदी पर निर्मित एक प्राकृतिक कुंड, मतलब तुंगभद्रा नदी पर एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण हुआ था। ये जो नदी थी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती थी विजयनगर साम्राज्य की, और आसपास का पूरा इलाका जो था वो ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। अब इन पहाड़ियों से बहुत सारी जलधाराएं बहकर आती थी, उन जलधाराओं के साथ क्या बनाया गया था, अलग अलग आकार के हौज बनाए गए थे, ठीक है, और इन हौजों के माध्यम से पानी को इकट्ठा करके ज़रूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। आपको पता है कि भाई जो हौज की अगर हम बात करें तो एक तो कमलपुरम जलाशय की आप बात कर सकते हैं जो कि 15वीं सदी में बना था, बहुत ही फेमस हौज था, इसका इस्तेमाल भी उस समय होता था, ठीक है। दूसरा कमलपुरम जलाशय के बारे में एक और चीज़ आप बता सकते हैं कि मतलब खेतों की सिंचाई, कमलपुरम जलाशय के पानी केवल आसपास के खेतों की सिंचाई के लिए नहीं बल्कि राजकीय केंद्रों तक भी पानी इसके माध्यम से ले जाया जाता था, मतलब कि खेतों की सिंचाई तो होती होती थी साथ ही साथ राजकीय केंद्रों तक पानी पहुँचाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधित संरचना में से एक हीरिया नहर है। देखिए यार हीरिया नहर की अगर हम बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण नहर था, ठीक है, हीरिया नहर, और इसका इस्तेमाल किस लिए होता था, तो धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र को अलग करने वाली जो घाटियाँ थी ना, जो ज़मीन वगैरह थे उनके सींचने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। देखो यार वीडियो बनाने में लगता है बहुत मेहनत, तबीयत खराब है, इसके बावजूद भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर भी कर देना, ठीक है, लाइक शेयर जरूर करना यार, मेहनत लगती है बहुत वीडियो बनाने में, और नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, लगातार बोलने का मन नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए काम तो भाई करना है। देखिए अब हम किलेबंदी की बात कर लेते हैं, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में चौंकाने वाला एक तथ्य किलेबंदी भी थी। अब किलेबंदी के बारे में फारस से आया था अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ था। अब उसने किलेबंदी के को की मतलब अगर हम बात करें तो कुल मिला के 7 प्रकार की किलेबंदी का वर्णन उसने किया था, ठीक है, और किलेबंदी की खास बात ये थी कि भाई जंगलों को भी घेरा गया था और कृषि को भी घेरा गया था, जंगल और कृषि सभी की किलेबंदी की गई थी, है ना। बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को जोड़ती थी, जो पहली जो दीवार थी ना किलेबंदी की वो आसपास के पहाड़ी इलाकों में की गई थी, और गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया गया था,
पत्थरों को किलेबंदी करते समय जो पत्थर यूज में लाए गए थे उनको जोड़ने के लिए किसी गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि ये पत्थर कैसे होते थे, फनाकार, जो कि खुद ही आपस में जुड़े रहते थे, टिके रहते थे। तो पहली, दूसरी और तीसरी दीवार के बीच में जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास शामिल थे। दूसरी जो किलेबंदी थी ना, वो नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग में की गई थी और तीसरे किलेबंदी से शासकीय केंद्रों को घेरा गया था। मध्यकाल में घेराबंदी करने का मेन उद्देश्य क्या होता था, मेन पर्पस यही था कि अपने दुश्मनों को क्या किया जाए, खाद्य सामग्री से वंचित करो, मतलब कि दुश्मनों को खाद्य सामग्री तक पहुंचने ही मत दो। तो उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं होगी तो खुद ही क्या कर देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, है ना। ये सारे पॉइंट बता सकते हैं। बाकी दुर्ग में प्रवेश करने के लिए क्या बनाए जाते थे, प्रवेश द्वार भी बनाए जाते थे। प्रवेश द्वार के बारे में थोड़ा सा इधर बता रखा है, इंडो इस्लामिक शैली, ठीक है, इंडो इस्लामिक शैली का इस्तेमाल करके ये जो प्रवेश द्वार बनाए गए थे उनमें इंडो इस्लामिक शैली के माध्यम से सजावट की गई, नक्काशी वगैरह की गई थी, ठीक है। ये किलेबंदी के बारे में आपके पॉइंट हो जाएंगे। देखिए महानवी डिब्बे वाला टॉपिक भाई जरूर करके जाना यार, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई महानवी डिब्बा। देखिए मैं सिर्फ महानवी डिब्बे के बारे में बता रहा हूँ, राजकीय केंद्र में स्थित एक महत्वपूर्ण संरचना थी, है ना, एक विशाल काय संरचना थी, 11,000 वर्ग के आधार के साथ और 40 फीट ऊंचाई के साथ इस संरचना पे नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता था, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई इसके बारे में तो अनुष्ठान, कौन कौन से अनुष्ठान इस पे होता था, तो सितंबर अक्टूबर की शरद माह में हम क्या मनाते हैं, जो त्यौहार मनाते हैं जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, है ना, 10 दिन के त्यौहार को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में इसको हम दशहरा बोलते हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा, है ना, प्रायद्वीपीय भारत जो है वहाँ पे नवरात्रि बोला जाता है, ठीक है, या महानवमी कहते हैं। तो इसका आयोजन यहीं पे होता था। अब धर्म अनुष्ठान क्या है, धर्म अनुष्ठान कौन कौन से इससे जुड़े हुए धर्मानुष्ठान, तो मूर्ति की पूजा होती थी, राजे की अश्वों की पूजा होती थी, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी इस त्यौहार के अवसर पर। आकर्षण क्या था भाई महानवमी डिब्बा और जो नवरात्रि का जो त्यौहार मनाया जाता था उसका आकर्षण क्या था, तो आकर्षण ये मतलब आकर्षण कहने का मतलब ये कि जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पे आते थे। तो एक तो भाई नृत्य है आपका, है ना, कुश्ती है, साँझ लगे घोड़ों और हाथियों की और रथों की शोभा यात्राएँ निकाली जाती थी। इसके अलावा प्रमुख नायकों नायकों और जो अधीनस्थ राजा है उनकी उनको एक तरीके से उनकी सेनाओं का निरीक्षण करना, या फिर जो ये अधीनस्थ राजा और नायक क्या लाते थे, राजा के लिए गिफ्ट लाते थे, भेंट लाते थे, उसको देखने के लिए भी लोग यहाँ पे आते थे, ठीक है। ये पॉइंट्स यहाँ पे आप बता सकते हैं। देखिए राजकीय केंद्र में स्थित दो और भवन के बारे में आप जान लें, एक तो कमल महल को करके जाए। कमल महल क्या है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे सुंदर भवनों में से एक था। इसका नामकरण 19वीं सदी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था और ये एक परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। कमल महल के बारे में ये आपको करके जाना है। हजार राम मंदिर क्या था भाई, ये सबसे सुंदर मंदिरों में से एक था राजकीय केंद्र में स्थित। कहाँ पे स्थित था ये, राजकीय केंद्र में, और इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार के लोग ही करते थे। मंदिर के आंतरिक दीवारों पे रामायण के चित्र भी हमारे को बने हुए मिले हैं। अब देखिए धार्मिक केंद्र से अपना धार्मिक केंद्र से विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर का बस कर लेना काफ़ी है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। विरूपाक्ष मंदिर, देखिए विरूपाक्ष मंदिर, इस मंदिर के मतलब विरूपाक्ष मंदिर के सबसे प्रमुख देवता शिव थे, ठीक है। और इस मंदिर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया गया था वो विरूपाक्ष देव को दिया गया था। विरूपाक्ष देव को राज्य के संरक्षक देव के रूप में माना जाता था और ज़्यादातर कन्नड़ लिपि में हमारे को श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित किए हुए मिले हैं, ठीक है। और आपको पता है कि इस मंदिर में हर वर्ष विरूपाक्ष और पंपा देवी का जो विवाह है उसको धूमधाम से आयोजित किया जाता था। पंपा देवी यानी कि पार्वती। इसका निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। इसके कुछ हिस्से का निर्माण 9वीं-10वीं सदी में किया गया था, ठीक है। विजयनगर की स्थापना के बाद इस मंदिर को कहीं और ज़्यादा विशालकाय बनाया गया, मतलब बड़ा बनाया गया था। कृष्णदेव राय ने किया गया था अपने राज्यारोहण के समय में, यहाँ पे मतलब एक मंडप बनवाया था, मंडप का निर्माण करवाया था। राज्यारोहण कब हुआ, 1509 में बनाया गया था इस मंडप को। विरूपाक्ष मंदिर के सामने एक सभागार का भी निर्माण किया गया था जिसके अनेक प्रयोग होते थे, जैसे कि सभागार का इस्तेमाल देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने के लिए होता था, नृत्य का आयोजन करने के लिए, संगीत का आयोजन करने के लिए, है ना, नाटकों का आयोजन करने के लिए होता था। तो ये सारे आप बता सकते हैं सभागार के प्रयोग के बारे में, ठीक है।
अब देखिए, अब हम विट्ठल मंदिर की बात कर लेते हैं। देखिए, विट्ठल मंदिर के प्रमुख जो देवता है श्री विट्ठल देव है, जिनको हम विष्णु का रूप मानते हैं। इस मंदिर में भी कई सभागार थे और इस मंदिर में एक रथ के आकार का अपने को छोटा मंदिर भी मिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप विट्ठल मंदिर के बारे में बता दें, काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन आप सातवें चैप्टर से जरूर करके जाए भाई, सातवें चैप्टर से इतने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं आठवें चैप्टर में। तो इस चैप्टर से जो आप क्वेश्चन देख के जाएंगे, उसमें से आप ये क्वेश्चन जरूर देख के जाएं कि मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के तीन स्रोत है। आईने अकबरी, जिसके लेखक है अबुल फजल, इससे हमें मुगल ग्रामीण समाज के बारे में, जमींदारों के बारे में, किसानों और जमींदारों के बीच में कैसा रिलेशन था उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद मुगल साम्राज्य से दूर लिखे दस्तावेज है ना, इस मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि आपका गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में कुछ दस्तावेज लिखे गए थे, इससे भी हम मुगल साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज है, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दस्तावेज है, बहुत सारे दस्तावेज है, वो भी हमें मुगल ग्रामीण समाज का वर्णन कर दिए। अब खुद कास्त और पाही कास्त किसान के बारे में ही कर ले भाई, खुद कास्त किसान, पाही कास्त। खुद कास्त किसान उन किसानों को बोला जाता था जो खुद की ज़मीन पे खेती करते थे, है ना, और पाही कास्त उनको बोलते हैं जो कि दूसरे की ज़मीन पे खेती करते थे, दूसरे गांव में जाते थे। अब पाही कास्त कोई व्यक्ति तभी बनता था जब उसको या तो प्रॉफिट मिल रहा हो या फिर मजबूरी में भी किसान पाही कास्त हो जाते थे। हाँ, ये क्वेश्चन आप जरूर करिए भाई चैप्टर से कि मुगल साम्राज्य में किस प्रकार खेती पेट भरने और व्यापार करने के लिए की जाती थी। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, पेट भरने के लिए भी खेती होती थी और व्यापार करने के लिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है अलग तरीके से कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मुगल साम्राज्य में खेती केवल पेट भरने के लिए होती थी। तो भाई, पेट भरने उद्देश्य तो था, लेकिन केवल पेट भरने के लिए होता था ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुगल साम्राज्य में खेती करने का मेन पर्पज़ तो पेट भरना था, लेकिन व्यापार भी था, ठीक है। पेट भरने के लिए कौन से फसल उगाते थे? पेट भरने के लिए वो चावल, गेहूँ, ज्वार, है ना, इत्यादि फसलें उगाते थे। किसान जो है वो मौसम के दो चक्रों में खेती करते थे, एक तो आपका खरीफ है आपका, और दूसरा है आपका रबी, है ना। ज़्यादातर जगहों पर जहाँ वर्षा अधिक हो गई, सिंचाई के साधन मौजूद थे, वहाँ पे वर्ष में तीन फसलें भी उगाई जाती थी। पैदावारी में बहुत ज़्यादा विविधता थी। उदाहरण के लिए आयन से हमें जानकारी मिलती है, आयने अकबरी से पता चलता है कि आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, दिल्ली में 43 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, चावल जो है ना बंगाल में चावल की सिर्फ 50 किस्में उगाई जाती थी, ठीक है। बहुत सारे स्रोतों में हमें जिनसे कामिल जैसे फसल मिलते हैं, जिनसे कामिल मतलब क्या, सर्वोत्तम फसलें या व्यापारिक फसलें, ऐसे फसल जैसे कि कपास है, गन्ना है, तिलहन है, है ना, दलहन है, दाल वगैरह, ये सब जिनसे कामिल के बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसका जिसके उत्पादन को ना राज्य बहुत ज़्यादा महत्व देता था। राज्य को इन फसलों के उत्पादन से ज़्यादा कर मिल सकता था, ज़्यादा टैक्स मिल सकता था, ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता था, तो इस वजह से ये ऐसे फसलों के उत्पादन पे राज्य महत्व देता था। देखिए, एक क्वेश्चन आप और हम कर मतलब इसमें से देखेंगे, वैसे तो अभी दो तीन क्वेश्चन और है जो कि आपको देखना है। ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है भाई, पंचायतों की भूमिका, मुगल ग्रामीण समाज में पंचायतों की भूमिका बताइए। तो पंचायतों की भूमिका को हम चार पांच हेडिंग्स के थ्रू समझा सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे पंचायतों का गठन। देखिए, मुगल गाँव की पंचायतों में ना बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, और ये ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी पुस्तैनी संपत्ति होती थी, और यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें सभी गाँव के लोगों की नुमाइंदगी यानी कि प्रतिनिधित्व होता था। सभी लोग जुड़े रहते थे पंचायत से, गांव में पंचायत का फैसला जो होता था वो सभी को मानना भी होता था, ठीक है, ये पॉइंट आप बता दें। उसके बाद मुखिया का चुनाव कैसे होता था? तो भाई, मुखिया का जो चुनाव था ना, वो गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होती थी, मतलब सभी लोग उसको सहमति देंगे जब उसका चुनाव होगा। मतलब सरदार जो होता था, पंचायत का सरदार जो होता था वो मुखिया होता था, जिसको हम मंडल और मुकदम भी बोलते हैं, और इसके जो चुनाव है वो गांव की बुजुर्गों की सहमति से होती थी। चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने पद पर तभी तक बना रह सकता था जब तक कि गांव के लोगों का उस पर भरोसा है। भरोसा खो दिया, पद से हटा देंगे, है ना। गांव की आमदनी का लेखा जोखा, हिसाब रखना मुखिया का मेन काम था। इसमें गाँव का पटवारी उसकी मदद भी करता था, ठीक है, ये पॉइंट बता दी। आम खजाना था भाई, पंचायत का एक आम खजाना था
जिसमें जिससे पूरे गांव का खर्चा चलता था। इस खजाने का इस्तेमाल जो कर अधिकारी आते थे उनकी खातिरदारी के लिए, गांव का जो कोष है जैसे कि प्राकृतिक आपदा आ गया उनसे निपटने के लिए भी इसी पैसों का इस्तेमाल होता था। कुछ सामुदायिक कार्य करने होते थे, सामुदायिक कार्य जैसे कि कुछ मिट्टी के कुएँ खुदवाने हैं, मतलब मिट्टी के बांध बनवाना है या कुएँ खुदवाना है, ठीक है, तो उस समय आम खजाने का इस्तेमाल होता था। मुखिया का काम क्या होता था? भाई देखिए, मुखिया का सबसे बड़ा काम ये था कि वो ये तसल्ली करता था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति के हद में रहें, मतलब जाति को बड़ा महत्व दिया जाता था। भाई अब सभी जातियां मंडल की मौजूदगी में ही होती, मतलब सभी शादियां, जातियां कह रहा हूँ, सभी शादियां जो थी वो मंडल के यानी कि मुखिया की मौजूदगी में ही होती थी। जाति की अवहेलना को रोकने के लिए लोगों के आचरणों पर नज़र रखना मुखिया का एक महत्वपूर्ण काम था। दोषी व्यक्ति को जुर्माना लगाना, दोषी व्यक्ति पे उसको समुदाय से निष्कासित करना, उसको गंभीर दंड देना, ये सब मुखिया का काम होता था भाई, ठीक है, ये पॉइंट बता दो। अब आखिर में एक जाति पंचायत के बारे में बता दो कि भाई गांव में हर जाति की अपनी खुद की पंचायत होती थी, या अलग अलग जातियों के लोगों के बीच जो भी दीवानी जो मामले थे, दीवानी मतलब ज़मीन से जुड़े हुए जो भी दावेदारी के मुद्दे थे उसको निपटाने का काम करती थी। ज़मीन से जुड़े जो भी दावेदारी वो तो हो गया हमारा, यह तय करती थी कि शादियाँ जाति के मानदंडों के अनुरूप मुताबिक हो रही है या नहीं, ठीक है, कर्म कांडीय वर्चस्व किस हद में रह के होंगे ये भी देखती थी जाति पंचायत। तो जाति पंचायत के बारे में है। उसके बाद मुगल ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका, भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से तीन चार क्वेश्चन अभी और आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मुगल ग्रामीण समाज में पंचायतों की क्या भूमिका थी, पंचायत तो हो गया, मतलब महिलाओं की भूमिका क्या थी? तो महिलाएं देखिए पुरुषों के साथ खेतों में कंधे से कंधा मिला के क्या करती थी, खेतों में काम करती थी। जो पुरुष थे वो हल चलाते थे, है ना, महिलाएं बुआई निराई कटाई के साथ साथ फसलों को से दाने निकालने का काम करती थी। किसी वस्तु का जितना व्यापारीकरण होता था उन कामों को करने के लिए महिलाओं के श्रम की मांग उतनी ही बढ़ती थी। सूती कातने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने के लिए, है ना, इन सब कामों को करने के लिए महिलाओं की श्रम की ज़रूरत ही होती थी। किसानों की व्यक्तिगत खेती का जैसे जैसे विस्तार हुआ और घर के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियादी बनी, श्रम समाज में समाज पर निर्भरता, इसलिए महिलाओं को अधिक पॉइंट कैसे समझा रखा है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे बता रखा है कि महिलाओं को ना एक संसाधन के रूप में देखा जाता था, क्योंकि महिलाएं बच्चा पैदा कर सकती थी, इस कारणवश उनको एक संसाधन के रूप में देखा जाता था। अब देखो महिलाओं के साथ ना काफ़ी भेदभाव होता था, है ना, लिंग के आधार में, क्योंकि जैसे कि कुछ इलाकों में ऐसा था कि जैसे पश्चिम भारत की बात की गई है, पश्चिम भारत में ना जो मासिक धर्म में जो महिलाएँ होती थी ना उनको हल छूने का, कुम्हार का जो चौक छूने का इजाज़त नहीं था। बंगाल में मासिक धर्म के समय जो महिलाएं थी वो पान के बगानों में नहीं जा सकती थी, ठीक है, सारी सुधा महिलाओं की कमी थी क्योंकि कुपोषण के कारण बार बार मौत के घाट उतर जाती थी, मतलब मौत का शिकार हो जाती थी महिलाएं। तो इस कारण कई बार जब शादी होता था ना तो शादी के समय दुल्हन की कीमत देनी होती थी, मतलब दहेज नहीं मिलता था लड़कों को बल्कि दुल्हन की कीमत अदा करनी पड़ती थी। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं भी क्या कर सकती थी, शादी कर सकती थी। अब देखो महिलाओं को ना बेवफाई के शक के आधार में काफ़ी भयानक दंड दिए जाते थे और अक्सर निश्चित कर एक मिनट, लेकिन ऊंची जाति के जो लोग हैं या फिर पंचायत है वो हमेशा मतलब ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि इनका भरण पोषण का इंतजाम हो जाए, मतलब मान लो पति ने उनको घर से निकाल दिया तो उस समय भी उनका भरण पोषण हो जाए, ठीक है। महिलाओं ने क्या किया था, पंचायतों को दरखास्त दिया था कि भाई उनका पति जो है वो उनको मुआवजा दे, है ना, बच्चों की परवरिश के लिए मुआवजा दे। तो ऐसे बहुत सारे दरखास्त अपने को गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान से जो दस्तावेज मिले हैं वहाँ पे अपने को ऐसे बहुत सारे दस्तावेज मतलब ऐसे दरखास्त हमारे को नज़र आए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ महिलाओं की बात की गई है कि भाई कुछ महिलाएं संपत्ति के पुस्तैनिक अधिकार भी अपने मतलब संपत्ति पे अधिकार भी जताया था, जैसे कि महिला जो पंजाब की बात की जा रही है, पंजाब में ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी, ठीक है, कई जगह पे महिलाएं जमींदार भी बनी थी, जमींदार की उत्तराधिकारी भी वो बनी अपनी जमींदारी की। तो इससे समझ में आता है कि हर जगह महिलाओं की स्थिति एक जैसी नहीं थी, ठीक है।
उसके बाद एक क्वेश्चन आप जरूर करके जाए, मुगल ग्रामीण समाज में जमींदारों की भूमिका, मुगल ग्रामीण समाज में जमींदारों की भूमिका क्या थी। तो जमींदार कौन होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, है ना। और जमींदार इतने ज़्यादा ऊंची हैसियत उनकी क्यों थी, दो कारण थे, ऊंची हैसियत के दो कारण थे। एक तो भाई उनकी जाति, ठीक है, सबसे पहले उनकी जाति, उनकी जाति क्या होती थी, बहुत ऊंची थी, ऊंची जाति से होते थे। दूसरा कि वो राज्य को विशेष प्रकार की सुविधाएं देते थे, सेवाएं प्रदान करते थे, ठीक है। जमींदारों की समृद्धि की वजह से उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, जिन्हें वो मिल्कियत कहते थे, तो जमींदार समृद्ध थे क्योंकि उनके पास व्यक्तिगत ज़मीनें होती थी, यानी कि संपत्ति बहुत ज़्यादा होती थी। तो इन ज़मीनों पर खेती कौन करते थे, या तो दिहाड़ी के मजदूर या फिर पराधीन मजदूर, जो गुलाम मजदूर होते थे, वो खेती करते थे, ठीक है। जमींदार अपनी मर्जी से अपनी मुताबिक किसी को ज़मीन बेच सकता था, किसी के नाम पे कर सकता था, तो ये पूरा अधिकार उसके पास था। जमींदार अक्सर राज्य की ओर से कर वसूलता था और उस कर के बदले उसको वित्तीय मुआवजा भी मिल जाता था, ठीक है। सैनिक संसाधन भी उसके ताकत का एक कारण था, क्योंकि उसके पास अपने पैदल सिपाही, घुड़सवार सिपाही, तोपखाने उसके पास होते थे, है ना, सिपाहियों का जत्था उसके पास मौजूद था, तो ये भी उसके शक्तिशाली होने का एक कारण था, ठीक है। मुगल ग्रामीण समाज को एक पिरामिड के तौर पे हम देखें ना, तो सबसे टॉप पे जो आता था वो जमींदारी आता था। ग्रामीण समाज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ गांव की हम बात करें, ग्रामीण समाज की, ठीक है। देखो जंग, समसामयिक जंग में जीत, मतलब अब कोई व्यक्ति जमींदार कैसे बन सकता था, तो जमींदार बनने की, जमींदारों की उत्पत्ति कई तरीके से हो सकती थी। एक तो भाई जंग में जीत गया कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जंग में, मतलब दूसरे जमींदार को जंग में हरा दिया, तो उस समय वो जमींदार बन सकता था। या फिर राजा ने क्या किया, उसको बहुत सारी ज़मीनें दे दी, तो उस समय भी वो ज़मींदार बन सकता था, ठीक है। ज़मींदारों ने क्या किया, अपनी खरीद फरोख की प्रक्रिया से मौद्रीकरण की प्रक्रिया को भी तेज़ी लाई थी। और ज़मींदार अक्सर क्या लगाते थे, बाज़ार लगाते थे, उस बाज़ार में किसान भी अपने फसलों को बेच सकते थे। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है भाई, 8 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आगे एक क्वेश्चन इस चैप्टर से हम और कर लेते हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, आईनी अकबरी के बारे में, ठीक है। आईनी अकबरी के बारे में भाई ज़रूर देख के जाए, मैं आपको समझा देता हूँ। आईनी अकबरी जो है वो अकबर के आदेश से, है ना, अकबर के हुक्म पे अबुल फजल ने आईनी अकबरी को पूरा करने का जिम्मा, मतलब अकबर के इतिहास का को रचने का जिम्मा उठाया था। और आईनी अकबरी जो है वो अकबर नामा का तीसरा भाग है, ठीक है। अकबर नामा का जो तीसरा जिल्द है वो आईनी अकबरी है, ठीक है। आईनी अकबरी से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो आईनी अकबरी से हमें मुग़ल दरबार के बारे में, प्रशासन व्यवस्था के बारे में, राजस्व के स्रोत के बारे में, वहाँ के भूगोल के बारे में, सामाजिक प्रथा, रीति रिवाज, संस्कृति के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अब इसके क्या है कि अगर हम भाग की बात करें तो इसके टोटल 5 भाग है, ठीक है। 5 में से 3 भाग की अगर हम बात करें, तो आइन के 5 भाग में अगर हम देखें तो मंजिल आबादी, इससे हमें शाही परिवार की जानकारी मिलता है, है ना, उसके रख रखाव के जो भी तरीके हैं उससे पता चलता है। दूसरा भाग है सिपाह आबादी, जिसमें सैनिकों के बारे में और जो नौकरशाही थे उनके बारे में पता चलता है। तीसरा है आपका मुल्क आबादी, मुल्क आबादी से वहाँ के प्रांतों के बारे में, राजस्व की दरों के बारे में, है ना, विस्तृत जानकारी अपने को मिल जाती है। और जो तीसरा और आपका जो मतलब चौथा और 5वां भाग था, वो वहाँ की धार्मिक प्रथा, संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देती है, ठीक है। आईनी अकबरी की कमियाँ क्या है, देखिए आईनी अकबरी की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें जोर करने में बहुत सारी गलतियाँ की गई। संख्यात्मक आंकड़े जो इसके थे उसमें बहुत ज़्यादा विषमताएँ थी, गणित की जो मतलब गणित हो सकता है उतना अच्छे से ना आता हो, तो इस कारणवश ये सारी गलतियाँ हुई थी। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में एकत्रित नहीं किए गए थे, मतलब सभी प्रांतों को ना बराबर महत्व नहीं दिया गया था, ठीक है। आगरा, उसके आसपास के केंद्रों से बहुत अच्छी जानकारी जुटाई गई थी, लेकिन दूर के जो केंद्र होते थे वहाँ से सूचनाएँ नहीं थी, जैसे कि बंगाल, उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएँ एकत्रित नहीं की गई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राजकोषीय आंकड़े बहुत ही तफसील से इसमें बताई गई है, बहुत ही अच्छे से बताई गई है, लेकिन कीमतों के बारे में, मजदूरी के बारे में, मतलब जो मजदूर थे उनको कितनी मजदूरी मिलती थी, उसके बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। विशेषकर मैंने आपको बोला ना, राजधानी आगरा और उसके इर्द गिर्द के इलाकों की बहुत ही अच्छी जानकारी है, लेकिन दूर के केंद्रों के बारे में इसमें कोई बढ़िया जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। यार ये बात समझ में। अब देखिए, फिर भी अपनी इन सीमाओं के बावजूद भी आईनी अकबरी एक अनोखा दस्तावेज है,
एक असामान्य दस्तावेज है, क्योंकि देखिए इसने क्या किया है, मुगल साम्राज्य के गठन और संरचना के बारे में बहुत ही बारीकी से इसमें बताया गया है। अब आपको पता है कि मध्यकाल के ज़्यादातर जो इतिहासकार होते थे और राजनीतिक विषय की जानकारी देते थे, जैसे कि युद्ध के बारे में, है ना, सियासी साजिश के बारे में, वंशीय उथल पुथल के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन अबुल फजल ने कुछ नया किया, उसने ग्रामीण समाज का वर्णन किया। भारतीय समाज का बहुत ही सुंदर, ग्रामीण समाज का बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें उसने किया था। तो इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि आईने अकबरी एक अनोखा दस्तावेज है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन हो गए हैं सेकंड बुक से। थोड़ा सा यार बोलते बोलते थक चुका हूँ, बोलने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों का पूरा ये बुक करवा दिया है। अब रहेगा आप लोगों का थर्ड बुक और मैप, तो वो भी आप लोगों को बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने हुए थे तो यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।